प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। इस पर राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं देश में केवल दो जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर अब वो खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बता रहे हैं। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने दावा किया कि पिछड़े वर्ग से आने वाले पीएम मोदी की उपस्थिति के कारण शंकराचार्य अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए थे। ओबीसी वोट को लेकर ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ओबीसी पर जंग तेज होती जाएगी। इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। क्या ओबीसी का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी मोदी को 400 पार जाने से रोक सकते हैं? मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं, मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। या फिर ओबीसी मामले से जुड़ा इतिहास राहुल के इस दावों को फेल कर देगा? कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उस पिच पर दोबारा बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर वो हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में क्लीन बोर्ड हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और पिछड़ों पर बड़ी लड़ाई छिड़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री आपको अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ओबीसी और जाति जनगणना की बात जोर शोर से उठा रहे हैं, सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। राहुल ने ये बातें प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा में दिए गए बयान की प्रतिक्रिया के रूप में दिया, जिसमें पीएम मोदी ने खुद को सरकार का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा बताया। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस बार बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। वहां आगे बढ़ करके बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके और उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाते हुए पूछा कि जब उनकी पार्टी की सरकार थी तो सरकार को चलाने वाली सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली शक्तिशाली NAC में कितने ओबीसी को जगह दी गई थी। ये दुनिया भर की चीजें करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, UPA के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। जरा कोई निकाल करके देखे उसमें क्या कोई ओबीसी था क्या, जरा निकाल के देखिए। इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल बॉडी बनाई थी और वो तो अपॉइंट कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने जैसे ये बयान दिया, राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर अब वो खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बता रहे हैं। किसी को छोटा और बड़ा समझने की मानसिकता बदलना जरूरी है, चाहे ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की इतनी बातें करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं? राहुल गांधी तकरीबन एक साल से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसके बाद तीन राज्यों के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बागडोर आदिवासी और पिछड़े को देकर कांग्रेस के हमले कमजोर करने की कोशिश की। यही नहीं, पीएम भी ओबीसी समाज को सरकारी योजना से होने वाले फायदों को गिनाने से नहीं चूकते। ये देखिए मुद्रा योजना से जुड़े इस ट्वीट में ओबीसी समाज के लाभार्थियों का जिक्र पीएम मोदी ने खास तौर से किया। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मोदी सरकार के फैसले को राहुल गांधी के हमलों को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, जिसका जिक्र करते हुए पीएम ने इतिहास भी याद दिलाया। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जब कांग्रेस के पास पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीतने पर जातिगत जनगणना करवाने का वादा किया था, लेकिन न सिर्फ कांग्रेस को हार मिली बल्कि उसके दो दो पिछले मुख्यमंत्रियों की भी सरकार चली गई। ऐसे में राहुल गांधी का बार बार ओबीसी के मुद्दे को उठाना क्या उनकी जिद है या फिर मास्टर स्ट्रोक जो मोदी को 400 के पार जाने से रोक सकता है? आज तक ब्यूरो। तो राहुल गांधी आरक्षण की 50% की लिमिट को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वो ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ओबीसी वोट चाहिए। हर पार्टी ओबीसी को अपने पाले में लाने की जुगत लगा रही है, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या उससे पिछड़ा वर्ग उनके साथ आएगा? अगर श्री नरेंद्र मोदी जन्म से पिछड़े होते हैं तो क्या आरएसएस उन्हें कभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने देती? वैसे भी श्री कल्याण सिंह जैसो का आरएसएस ने क्या बुरा हाल किया है तो ये देश सब जानता है। आज से करीब 5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर मायावती ने जो कहा, उसके बाद 2019 में मोदी ने सारा खेल ही बदल दिया। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा, मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना माँ भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं। और बहन जी, महामिलावटी लोग, मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है, और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी को इसी ओबीसी कार्ड के सहारे घेरने की कोशिश हो रही है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के टॉप 200 कॉर्पोरेट कंपनी में मुझे बता दीजिए, ओबीसी मालिक का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं, सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिले। कॉर्पोरेट सेक्शन में 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 500 ले लीजिए, उसमें से आप सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे ओबीसी नाम दे दो, दलित नाम दे दो, आदिवासी नाम दे दो। तो राहुल गांधी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले के सहारे अपनी सियासी यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं पीएम में सरकार का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा कहकर उसका जवाब देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ यही नहीं कह रहे, उन्होंने राहुल गांधी के इस हथियार की कार्ड की तैयारी हाल ही में हुए 5 विधानसभा चुनावों से ही शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने खुद को पिछड़े आदिवासियों का हिस्सा बताते हुए कांग्रेस पर परेशान करने का इल्जाम लगाया। चलो भाई,
आपको पेट में दर्द होता था कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, हम मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को, मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। मोदी अगर ओबीसी है तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? प्रधानमंत्री एक तरफ कांग्रेस पर ओबीसी पीएम को नीचे दिखाने का इल्जाम लगाते हैं, तो वहीं ये भी बताना नहीं भूलते कि पहली बार ओबीसी को लेकर उनकी सरकार ने क्या किया है। मेरे परिवारजनों, मोदी जो ये गारंटी दे रहा है ना, जो गारंटी पूरी कर रहा है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारे दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी, हमारे मेहनत कश मजदूर, हमारे समाज के वंचित लोग हैं। अब सवाल ये कि क्या मोदी की रणनीति काम कर रही है? क्या ओबीसी पीएम होने का बीजेपी को कोई फायदा मिल रहा है? इसका जवाब इस आंकड़े से मिलता है। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस 25%, बीजेपी को 19% ओबीसी वोट मिलता है, वहीं क्षेत्रीय दलों को 56% तक पिछड़े वर्ग का वोट हासिल होता है। साल 2009 के चुनाव तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच ओबीसी वोट का फासला बहुत कम हो जाता है। 24% कांग्रेस पाती है, 22% बीजेपी को मिलता है। क्षेत्रीय दल अभी भी ओबीसी वोट का 54% हिस्सा हासिल करते हैं, लेकिन 2014 से देश में पिछड़े वर्ग के वोट देने के पैटर्न में बड़ा बदलाव आता है। कांग्रेस का ओबीसी वोट में हिस्सा घटकर 15% हो जाता है, बीजेपी का बढ़कर 34% और क्षेत्रीय दलों का 51% के आसपास बना रहता है। 2019 में आकर कांग्रेस को ओबीसी वर्ग से 15% का ही वोट मिलता है, लेकिन बीजेपी का वोट ओबीसी की तरफ से 44% हो जाता है और अन्य दलों यानी क्षेत्रीय दलों के पास 41% ओबी हो जाता है। यानी बीजेपी को ओबीसी पीएम के रूप में मोदी की ताजपोशी फायदा दे रही है, ओबीसी वोट पार्टी से जुड़ रहा है। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने। कांग्रेस, अगर कांग्रेस की रफ्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता, मैं इसका हिसाब लगाता हूं। अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते, इतना काम करने में 100 साल लगते, 5 पीढ़ियां गुजर जाती। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद को ओबीसी का हितैषी दिखाने की होड़ में बढ़त बनाए रखने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी की जाति जनगणना वाली चाल कांग्रेस के ओबीसी पॉलिटिक्स के इतिहास को याद करते ही फेल हो जाएगी। 1953 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने काका कालेकर की अगुवाई में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, लेकिन 1955 में काका कालेकर के आयोग ने रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग के लिए जमा की, जो कभी लागू नहीं हुई। 1975 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने मोस्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन छेदीलाल सेठी की अगुवाई में बनाया। 1977 में कांग्रेस के एनडी तिवारी की सरकार के दौरान यूपी में सरकारी नौकरी में 15% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने का ऐलान होता है, लेकिन कुछ ही दिन में सरकार गिर जाती है। 1977 में फिर राम नरेश यादव की जनता दल सरकार के दौरान यूपी में सरकारी नौकरी में पिछड़ों को 15% आरक्षण देना शुरू होता है। इसी दौर में 1978 में मुरारजी देसाई की सरकार के दौरान आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए मंडल आयोग का गठन होता है। मंडल आयोग की तरफ से रिपोर्ट 1980 में जमा कर दी जाती है, लेकिन इस पर न इंदिरा गांधी की सरकार ने कदम बढ़ाए, न ही राजीव गांधी की सरकार के दौरान रिपोर्ट पर आगे फैसला लिया जाता है। 1990 में कांग्रेस के बागी होकर निकले वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। 2006 में वीपी सिंह की बायोग्राफी में मंजिल से ज्यादा सफर में वीपी सिंह के मुताबिक मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी का रुख ज्यादा लचीला था।
यही वजह है कि जब राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर सवाल किया तो पीएम मोदी ने पूरा इतिहास बता दिया। ओबीसी आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, ये काम आपके बेटे ने जैसे ही आपने दिल्ली बिठाया ना उस काम को भी कर दिया। कांग्रेस की इस कमजोरी को पीएम जानते हैं, इसीलिए इतिहास याद करवाना नहीं भूल रहे। वहीं विपक्षी गठबंधन ओबीसी वोट की ताकत दोबारा पाने के लिए पिछड़े वर्ग से आने वाले पीएम के साथ जुड़े ओबीसी वोट में सेंध लगाने में लगी है। राहुल भी कहते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर जाति जनगणना करवाई। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। अब दूसरे साइड से प्रेशर आया, बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। नीतीश जी बीच में फंस गए।